भगवान जी, आज मोदक के साथ एक ये फूल भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। वैसे भगवान जी को जो अर्पण करें वो स्वीकारते हैं बहुत ही मन के साथ। माना कि मोदक उनका फेवरेट है, लेकिन वो फ्लावर्स भी एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। तो वैसे वो लोगों की अपॉलोजीज भी एक्सेप्ट करते हैं। और रजत तो सॉरी बोलने गया ही था ना सभी को, लेकिन सभी ने उसको सुना दिया। टेक्निकली देखा जाए तो गलत नहीं है, ठीक ही सुनाया, लेकिन इस पर तो भैया रजत भी चौड़ा हो गया। अब न जाने कब इन दोनों के बीच की जो टकरार है वो प्यार में बदलेगी। एक बाप जिसे अपनी बेटी को अपनाने के लिए किसी रिपोर्ट की जरूरत है, वो इंसान क्या ही देगा मुझे? छोड़िए ना ये। मुझसे हर्ष ने कहा था कि देखने के लिए। तो क्या उसने कहा और आपने मान ली? हाँ, बचपन से सही आपके साथ रहती हूँ। बचपन से उसकी मम्मी पापा दोनों आती हैं, आप ही की गोद में खेल खेल कर वो बड़ी हुई, आपके सामने बड़ी हुई। जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए अपनी बच्ची को। किसी घरे ने आके आपसे कहा कि वो आपकी बेटी है, आपने मान ली। आपके दिल ने इस बात की गवाही कैसे दे दी? हाँ, इतने स्मार्ट हो आप, बेवकूफ कैसे बन गए? सभी आप जो कर रही हैं ना, एकदम ठीक कर रही हैं। माना कि अर्श ने गुमराह किया रजत को, लेकिन क्या रजत को इस बात का थोड़ा सा भी इल्म नहीं था कि अर्श किसी भी हद तक जा सकता है उससे बदला लेने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए। अब कितने दिनों से रजत परेशान था ये सोचकर कि क्या सई सच में उसकी बेटी नहीं है। अगर पहले ही रजत ने अपनी प्रॉब्लम सभी के साथ डिस्कस की होती ना, तो कब से नतीजा निकल गया होता। अब डीएनए टेस्ट में ये प्रूफ हो चुका है कि रजत की बेटी सई ही है। अब इतने दिनों में रजत ने सई के साथ जो बर्ताव किया वो बहुत ही बुरा था। नन्ही से बच्ची के दिल पर उसका क्या असर पड़ा, अब तो रजत को देखकर ही वो डर जाती है। इतने कंफ्यूज कैसे हो गए? इस हद तक उसकी बातों में आ गए तो अपनी बच्ची के साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिया। अपना ब्लड ग्रुप तक चेक नहीं करवाया, और वो भी तब जब आपकी बच्ची जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, जब उसे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी। सिर्फ पैसे कमाने से ना इंसान समझदार ही हो जाता है। मुझे आपकी जिंदगी में आए और सई की जिंदगी में आए ज्यादा वक्त नहीं, लेकिन दावे के साथ कह सकती हूँ कि सई आपकी की है। सभी केवल इतना समझाने की कोशिश कर रही है रजत को कि कभी तो अपने दिमाग से सोचो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रजत की शराब है। और हाँ, अर्श जब भी उसके सामने आता है ना, रजत सब कुछ भूल जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, सभी अच्छे के लिए समझा रही है रजत को, लेकिन रजत है उसे लग रहा है कि सभी पत्नी होने का हक जता रही है। बच्ची से प्यार करती हूँ, उसका मतलब तो मुझे इतना कुछ सुना, यहाँ पर सही की माँ बनकर अब भी अपनी फीलिंग्स के बारे में बोल रहे हो। सब कुछ सिर्फ अपना अपना अपना, एक नंबर के सेल्फिश इंसान है। अब रजत, पहली बात तो सभी आपकी पत्नी है तो उसे हक जताने की कोई जरूरत नहीं है, और सभी के लिए सही पहले है आप बाद में। इसीलिए जब जब सही के साथ कुछ गलत होगा ना, सबसे आगे आप सभी को पाओगे, फिर चाहे गलत करने वाला कोई भी क्यों ना हो। सई हर किसी को समझाने की कोशिश करेगी और जरूरत पड़ी तो सबक भी सिखाएगी, जैसे कि उसने आपको सिखाया। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे बप्पा, आपको ना दूरदर्शिता तो थोड़ी सी दीपिका को भी देनी होगी। भाई, दिल को तुमसे प्यार हुआ कि दीपिका को, क्या है ना, अपनी तरफ बढ़ते हुए खतरे को पहचान नहीं पा रही है। अब जानवी शादी कर रही है चिराग के छोटे भाई से। नाउ दीपिका इज हैप्पी कि चलो मेरी बहन मेरे ही घर में आ रही है, नॉट नोइंग कि दरअसल वो तो घर आ रही है उसका बर्बाद करने।
दीपिका जिस घर में बहू बनकर आई है उस घर में दीपिका की जगह पहले जानवी आने वाली थी, लेकिन फिर जैसा हमने देखा कि चिराग के मन को दीपिका भा गई, अब यहाँ पर जानवी का सारा बना बनाया खेल चौपट हो गया। अब उसने की एक ओछी हरकत, उसने दीपिका के देवर पृथ्वी को प्यार के जाल में फंसा लिया है और इसमें ही कोई और नहीं बल्कि लावण्या भी उसका साथ दे रही है। तो बेसिकली जानवी बहुत ही डिटरमाइंड लड़की है, उसको जो हासिल करना है ना वो हासिल करके रहती है। और अभी तक जितना आप जर्नी अगर फॉलो कर रहे हो आपको पता चल रहा है कि डे बाय डे वो जैसी चीज़ें चाहती है वैसी हो नहीं रही है, तो एक कहीं तो शी गेट्स अ चांस टू डू समथिंग, उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। तो वो उसका जो एम रहता है, जो डिटरमाइन करके वो निकली रहती है, वो पूरा हो जाता है। अब पृथ्वी बहुत खुश हो रहा है, अपनी भाभी को थैंक यू कह रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि भाभी की वजह से ही रिश्ता पक्का हुआ है। चिराग भी खुश है, फिलहाल घर में किसी को नहीं पता है कि जानवी और पृथ्वी की शादी दरअसल चिराग और दीपिका के रिश्ते को तोड़ने के लिए करवाई जाएगी। वहीं जानवी का परिवार भी इस बात से अनजान है, उन्हें तो लगता है कि इतने बड़े घर में अब कोई गुंजाइश ही नहीं है जानवी की शादी होने की। अब उन्हें क्या पता कि उनकी बेटी ने सारा मामला सेट कर दिया है। सो फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मुझे भी एक सीन ऐसे करने मिला जहाँ पे आई एम ट्रूली हैप्पी एंड आई टोल्ड सर कि यू नो हियर लेट मी बी माई सेल्फ, मुझे जैसे डांस करना है जैसे वो जो भी मेरे अंदर से आ रहा है लेट मी जस्ट परफॉर्म, बिकॉज बहुत टाइम बाद ऐसे खुशी वाला सीन जानवी को करने मिला है। यहाँ पर लावण्या के दिमाग में भी खुरापाती चल रही है। लावण्या के दिमाग में तो केवल बस यही चल रहा है कि कैसे दीपिका को इस घर से बाहर निकाले और अपने बेटे की जिंदगी से भी। अब आज की आज सगाई होने वाली है, इस सगाई को लेकर सभी एक्साइटेड हैं, लेकिन हम तो होने वाले ड्रामे को लेकर एक्साइटेड हैं कि अब आगे कौन सा नया ड्रामा होगा और उस ड्रामे के बाद दीपिका जो मन से बहुत सुंदर है, हमेशा सही बात करती है, वो आगे क्या करेगी और उसमें चिराग उसका साथ कैसे देगा। मुंबई से कैमरामैन संतोष प्रधान के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक्चुअली हमारे घर में ना, मैं पिछले 18 साल से गणपति जी हमारे घर में आते रहें और आमंत्रित करते हैं उन्हें, और हर साल हम एक थीम रखते हैं, मतलब और जो हम डेकोरेशन मार्केट से खरीदे हुए डेकोरेशन कभी नहीं किए हम, तो हम आर्ट एंड कल्चर में बिलीव करते हैं, तो घर में ही क्राफ्ट आर्ट अपने बच्चों के साथ बैठ के ये सब कुछ करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हर बार एक नया प्लान बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है एग्जीक्यूट करते हैं, कभी चंद्रयान, कभी सोलर इक्लिप्स, कभी प्लैनेट्स, कभी कोई मंदिर, कभी खंडहर, कभी बॉम्बे सिटी लाइन, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने किए हुए हैं। ये स्पेशली इस बार जो है ओलंपिक 2024 का थीम है, जो सडनली हमने एक दिन रियलाइज़ किया, और हमने कुछ मेडल वेडल भी लटकाए इसके, और सारे मेडल्स जो है मेरी बेटी के मेडल्स है, वो फुटबॉल खेलती है तो शी इज़ अ फुटबॉलर, तो सारे मेडल्स भी हमने इंस्टॉल किया। वो तो ये सब चलता ही रहता है, उसका ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ऐसी चीज़ों से, क्योंकि वो क्रिटिसिज्म
तो होगा ही, कोई भी आर्ट फॉर्म आप सबको तो खुश नहीं कर सकते, कोई खुश होता है कोई नाराज़ होता है, ये हमेशा चलता ही रहता है, तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। गणपति बप्पा मोरया मंगल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या भाई क्या? अरे बाबा मोदक खाया क्या? एंड हेलो, थोड़े बहुत तो इशारों में बातें समझिए ना, वो तो गाना भी बना था इशारों में। हाय मेरा तो सुर भी लग गया, आई थिंक इट्स बप्पा, नहीं तो इतना बेसुरा गाती हूँ ना बप्पा, थैंक गॉड आपके सामने सुर लग गया। लेकिन यहाँ पर अंताक्षरी का खेल नहीं, दम शराज का खेल हो रहा है, जरा देखिए आप भी। ठीक है, सो दिस इज द हुक स्टेप। No, the actor. Okay. But he can't speak, no? तुम क्या हो? Can I say that? Hi. मुंजा। क्या डाल? नींबू। नहीं और? नींबू, अचार, कच्चा आम और क्या खट्टा होता है? आम। सास बहू और साजिश के साथ हम लोग खेलने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम जिसका नाम है डम शराज, आप सभी जानते हैं। लेकिन आज मैं देखना चाहूंगी कि हमारे जो हीरो अनुराग है आशय मिश्रा और हमारी जो हीरोइन दुर्गा की है प्रणाली राठौड़, इन दोनों की टेंशन तो हमेशा होती रहती है मेरे साथ। मैं देखना चाहूंगी कि ये कई खेल खेल रहे हैं आज। बदतमीज़ दिल, बदतमीज़। हाँ, ठीक है। So this is the hook step. No, the actor. Okay. But he can't speak, no? वही मैं देख रही हूँ। हाँ। You can't speak. Okay, ठीक है, चलिए। I can gungna. अरे, वो तो मैं अपने लिए gungna रहा हूँ, so I can just do this step. Do it again. हाँ। बोलो। प्रेम की नैया है आपके पास? अच्छा प्रेम की जन्म कहानी। ऐसे ही डॉक्टर थोड़ी बन गई हो, भीड़ की है तो सही कर रहे हैं। पुतला। पुतली है। तुम क्या हो? Can I say that? बोलो यार, ये नहीं बोल अभी क्या लड़की तुम अपने आप को दिखा के खूबसूरत लड़की बोल रही थी ना? हुस्न। खूबसूरत लड़की। हुस्न लड़की हसीना। हसीना। अरे हसीना मान जाएगी। रमैया वस्ता भैया। सुपर। देखा तुम लोग बोल रहे थे चीटिंग। मैं बोला ना, मैं उसका सीनियर हूँ। ये कभी लड़की है, कभी हार को नहीं सकती। अच्छा फोर वर्ड्स हिंदी, एक मिनट, चार शब्द। ओके, सेकंड वर्ड फूल। यस करेक्ट। थर्ड वर्ड फूल। आई टू। हिंदी में क्या बोलते हैं टू को? दो। हाँ। फोर्थ वर्ड
आई आई फूल काट दिया। कौन काटता है? अरे माली। हाँ अब बोल। पहला 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 एक। हाँ एक एक फूल दो माली। यस सुपर। क्या बात है यार, बिना चीटिंग का स्मार्ट। ये प्लीज मेरी मम्मी को दिखाना। शी नीड्स टू नो आई एम स्मार्ट। चल अब आगे बढ़, अभी पता चल जाएगा तू कितना स्मार्ट है। चटकारे क्या जो डालते हैं, क्या डालते हैं? क्या डाल? नींबू नहीं और नींबू अचार कच्चा आम और क्या खट्टा होता है और क्या स्वाद टेस्ट। हाँ, स्वाद के लिए क्या डालते हैं? नमक नमक And? नमक हराम नहीं वो भी तो मूवी है ना। क्लोज नमक सेकेंड वर्ड समवन एंड गिविंग अ टाइट स्लैप नहीं काटना हलाली नमक हलाल। yeah! ओ भाई डार्क। अरे ये तो एक है उसमें। यार मैं डायलॉग बोल सकती हूँ क्या? ये उसको पता नहीं तुमको समझेगा कि नहीं, कैसे इसको करना मुश्किल है बाबा। मैं एक डायलॉग बस एक डायलॉग वो समझ जाएगा। ये देख बन मुंजा। मैं बोलने वाली थी बेला लगी नहीं, देखो अब ये बोल रही है तो बोल के दिखाओ कैसे। आई शुड हैव डन दिस। यस आई शुड हैव डन दिस। सारा से नहीं आया तुझको। चलो डन। वैसे भी ऑन सेट भी गेम खेलते हैं, ऑफ सेट भी गेम खेलते हैं, तो ये लोग मास्टरी पता नहीं कहाँ से सीखे आए। मुझे लगता है हमारी जो क्रिएटिव है मल्लिका साहेब, उनसे ही सीखी है ये मास्टरी गेम खेलने की। मैं तो बचपन से बॉलीवुड बाफ रही हूँ, सो यू नो माय गॉड। आई विल टेल यू द ओनली गेम दैट प्रणाली प्लेज हियर ऑन सेट इज माइंड गेम्स। और वो माइंड गेम्स को बढ़ाने वाला है। ओफ आशय। बिल्कुल। एनीवे मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि हमारा शो जो आ रहा है 16 सितंबर शाम को 7:40 कलर्स जियो टीवी पर आप ज़रूर देखिएगा और हम सबको प्यार दीजिएगा। देयर इज नो कंफ्यूजन, ऑल 7 days a week मंडे टू संडे। मुझे लगता है प्रणाली ने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन उससे भी घटिया खेला है मतलब उससे भी अच्छा खेला है आशय। दोनों ने बहुत ही अच्छा खेला है, और लेकिन चिट देने वाली तो मैं ही हूँ। खिलाड़ी तो मैं ही हूँ। ये कहानी है दुर्गा की, जो कबीले की लड़की है, जो बहुत बड़े सपने देखती है। कबीले से आई है लेकिन राजघराने में रहती है। सपना है उसका डॉक्टर बनने का, अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए कुछ करने का। और उसी के बीच इन्हें दुर्गा को प्यार हो जाता है उसी राजघराने के कुंवर सा से, जो है अनुराग। और उसे पता है कि वो कबीले की लड़की और वो राजघराने का कुंवर है, तो ये काइंड ऑफ इम्पॉसिबल रफ स्टोरी है। मेरा नाम ही पानी बाय तो पानी ही फेरूंगी, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और इसमें राजस्थानी बोल, एक थोड़ी सी लय भी मैंने रखा है, एक फ्लेवर दिया है, एक एंटरटेनमेंट फैक्टर भी है। और इक्वेशन दुर्गा के साथ तो बहुत अच्छा है, मतलब जैसे मैं आती हूँ दुर्गा समझ जाती है कि पानी भाई क्या बोलने जा रही हो या क्या होने वाला है। बहुत नाइव है अभी एज टू व्हाट इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली पानी भाई दुर्गा और किसी और के साथ भी। उसका इंटेंशन बहुत क्लियर है, बहुत साफ है। और हाँ, रॉयल लीनियज से है तो थोड़ी अदब भी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाँ हाँ मुझे पता है, मेरी कोई फ्लावर डेकोरेशन रॉकेट साइंस जैसी नहीं है, पर मुझे आती नहीं है ना। लाइक आई सेड, गणेश जी इज नॉट जजिंग मी, तो आप क्यों मुझे जज कर रही हैं और कर रही हैं चुगलियाँ? मतलब चुगलियाँ सुननी है तो सुनिए चुगलखोर आंटी की, कम से कम मज़ेदार तो होती है। अब मेरी फ्लावर डेकोरेशन के बारे में चुगलियाँ करने कोई सुनने नहीं आने वाला। हेलो भाई, मैं आ गई और आपके लिए लाई हूँ सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ। तो चलिए सबसे पहले आज बात करते हैं सीरियल अनुपमा की।
अब देखिए, आजकल मुझे सीरियल अनुपमा को देखकर साउथ की फिल्में याद आ रही हैं, क्योंकि हो भी कुछ ऐसा ही रहा है और अनुज का अंदाज भी बदल चुका है। जिस तरह से अनुज ने अंकुश को आज चुनौती दी है, उसके बाद से बस आंधी नहीं आई है, बाकी सब कुछ हो गया है। जो करना है कर अनुज, पुलिस मीडिया कोर्ट जहाँ जाना है जा, लेकिन हम तुझे फूटी कौड़ी नहीं देंगे। भाई अनुज, डोंट यू डेयर, आई विल। बहुत गलतियां कर ली तुम दोनों ने और मैं चुपचाप देखता रहा। अब बस अब एक भी गलती और मत करना वरना। अब ये तो आप भी जानते हैं कि अनुज ने अंकुश को चुनौती दे दी है कि वो अपना सब कुछ वापस ले लेगा। अब इस चुनौती के साथ साथ तोशु को भी मिला है मुंह तोड़ जवाब। जवाब किसी और ने नहीं बल्कि बा ने दिया है। अब तोशु बा से बहस कर रहा था और अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहा था। बस इतने में बा ने भी उसे दे दिया ऐसा जवाब जो किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं लग रहा है। देख, स्क्रू है, तेरा दिमाग का स्क्रू जो ढीला हो गया है ना, वो गिर गया था, ले टाइट कर ले। वेरी फनी। मेरी बात चाहे फनी हो पर तेरी हालत एकदम सीरियस है। अब इस सीरियल में बस एक बात की निराशा हो रही है, वो ये है कि आध्या से एक अपशकुन हो गया है, या कहें स्टोरी लाइन ही कुछ ऐसी है। अब आध्या अनुज और अनुपमा को मिलाना चाहती है, मगर शायद ऐसा जल्दी नहीं हो पाएगा। अगली चुगली में लाई हूँ सीरियल उड़ने की आशा की। अब देखिए, बात ऐसी है कि सायली चाहे जितनी कोशिश कर ले अपने आप को प्रूफ करने की कि उसने आकाश की मदद नहीं की है, लेकिन उसकी बात कोई भी मानने को तैयार नहीं है। अब एक तरफ सचिन के बाबा काफी ज्यादा डिप्रेशन में है, वो यही सोच रही है कि उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है और उनके बच्चों ने उनका दिल दुखाया है। अब आगे कहानी में क्या होगा इसकी जानकारी मुझे मिली है। सुनने में आ रहा है कि सचिन के पिता को अस्पताल में भर्ती कर दिया जाएगा और सचिन आकाश और सायली को उनसे मिलने बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि उसकी नफरत अब और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी और इस वजह से एक बार फिर सायली हो जाएगी सचिन से दूर। अगली चुगली में लाई हूँ सीरियल भाग्य लक्ष्मी की। अब देखिए, हो रहा है सच और प्यार का इजहार। एक तरफ अनुष्का से आयुष ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि वो शालू से प्यार करता है। तो तुम मुझे बताओ, शालू को पसंद करते हो क्या? हाँ या ना, बोलो ना, बोलो, शालू को पसंद करते हो या नहीं? हाँ, हाँ पसंद करता हूँ उसे मैं, और बहुत पसंद करता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी भी सोच रही है कि वो अपनी दिल की बात ऋषि को बता दे, लेकिन लक्ष्मी का भाग्य तो हम सब ही जानते हैं, उसके साथ कुछ भी सिंपली हो ही नहीं सकता। शुदाती जा रही है ना, मैं भी वही चाहती। आज आप यहाँ पे आए, आपने आते ही मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख दे दिया और मेरे सारे दुख हर लिए। सारे किले शिकवे शिकायतें बैठा कर ऋषि को एक और मौका देना जी, तो जाएगी चीजों के पास वापस। और तो और, गड़बड़ करने के लिए घर में पहुंच चुका है बलविंदर। सुनने में आ रहा है कि बलविंदर ऋषि को अपने रास्ते से हटाना चाहता है और लक्ष्मी को पाना चाहता है, मगर इन सब में देखना इंटरेस्टिंग यही होगा कि क्या लक्ष्मी अपने प्यार का इजहार ऋषि से कर पाएगी या नहीं। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल कुमकुम भाग्य की। अब सीरियल में आ गया है हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि अब मोनिशा को लग रहा है डर कि कहीं उसका पर्दा फाश ना हो जाए, कहीं उसका आरवी उससे दूर ना हो जाए। कौन सा सच? यही कि मेरा दुश्मन कौन है। लेकिन मोनिशा, अभी आप पूर्वी को पहचान नहीं पाई हैं, वो आपको इतनी आसानी से थोड़ी ना छोड़ देगी। पहले वो पूरी प्लानिंग करेगी, सारे सबूत इकट्ठा करेगी, फिर आपका सच आप पर ही भिगो कर मारेगी। लेकिन इससे पहले अपने आरवी को साहिल से भी वो बचाएगी। वो साहिल, नेता का बॉयफ्रेंड, वो निकला है वहां से आरवी को जान से मारने के लिए। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल सुमन इंदौरी की। अब बात ऐसी है कि सुमन ने लगा लिया है सच का पता और अब दोषी बन गई है कृतिका।
बहुत एक्साइटेड हो गई तो शायद उसी में गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मतलब सुमन सच बोल रही थी, गाड़ी जो है वो ड्राइवर नहीं बल्कि कृतिका तुम चला रही थी। अब तीर्थ को इस बात का पता चल गया है कि कृतिका ही है जिसकी वजह से इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट हो गया है, और अब गलती की है तो उसे सुधारना पड़ेगा। लेकिन तीर्थ के एक कमेंट से पूरा घर हिल जाएगा। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल मिश्री की। अब देखिए, जो हाल मिश्री का है वही हाल मंगल का भी है। वो बात अलग है कि मंगल इस बात से फिलहाल अनजान है कि आदित्य किसी और के चक्कर में पड़ा हुआ है। हमें भी बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिलकर, और उस दिन तो गणपति विसर्जन भी है, आपको बापा के दर्शन भी हो जाएंगे। मिश्री तुम ठीक हो ना? आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे परेशान हो तुम। अब मंगल जल्द ही मिश्री का साथ देने उसके घर जाएगी गणेश पूजा के खास मौके पर, और मेरे कानों में ये खबर लगी है कि ये मिलना कोई आम मिलन नहीं होगा बल्कि यहाँ होगा ढेर सारा धमाका जिसमें बापा के आगमन की वजह से जश्न होगा, और साथ ही साथ मंगल बढ़ाएगी मिश्री का हौसला। लो भाई मैं तो चली। ABP News आपको रखे आगे। भाई माना कि मेडिकल साइंस जो है वो बहुत तरक्की कर गई है, बल्कि भारत में तो शुरू से ही मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी थी। ये बात और है कि फिर अंग्रेज आए और हमारी सभ्यता और संस्कृति कहीं ना कहीं गुम हो गई। लेकिन ये तो ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक अलग ही लेवल की मेडिकल साइंस चल रही है। संगीत का फंक्शन चल रहा है, उसमें चक्कर आ जाता है अबीरा को, और डॉक्टर साहब आते हैं और वहाँ पर क्या कहते हैं, बिना किसी औजार के या इक्विपमेंट के या टेस्ट के बोल देते हैं कि अबीरा जो है वो माँ बन नहीं सकती। भाई वाह, ये तो आप चमत्कार कर रहे हैं, डायग्नोसिस नहीं। पंजाबी संगीत का जरा ये तड़का तो देखिए, अबीरा और अरमान दोनों परिवार के बीच आज मानो कोई कंपटीशन सा चल रहा हो। इसी के बीच में आ गया अबीरा को चक्कर। अब अबीरा के चक्कर को देखकर सब चक्कर में पड़ गए, खास करके दादी सा। अब यहाँ पर चक्कर आया है अबीरा को, इसकी एक वजह है। हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं, जहाँ पर आप सबको याद होगा कि अक्षरा को भी चक्कर आए थे और उस वक्त पता चला था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती है। अब यहाँ पर सेम टू सेम वही कहानी दोहराई जा रही है। डॉक्टर ने कह दिया है कि अबीरा कभी माँ नहीं बन सकती है। सॉरी सर, अबीरा की रिपोर्ट में आया है कि ये कभी माँ नहीं बन सकती है। बच्चे भगवान का वरदान होते हैं, पर इस लड़की के होते तुम्हें वो वरदान मिल ही नहीं सकता। अब दादी सा के पैरों तले जमीन खिसक गई। आगे वाले एपिसोड में आप यही देखेंगे। ये तो मुझे भी नहीं पता क्या हो गया अबीरा को, लेकिन बार बार उसे पेट में दर्द भी होता है और सर भी चकराने लगता है उसका। फिलहाल अभी ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं, ये बहुत बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा है जहाँ पर लेडीज और जेंट्स दोनों संगीत है। परिवार का हर कपल अपने ही अंदाज में संगीत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। अबीरा और अरमान भी बहुत खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि बस कुछ ही घंटों में उनकी शादी हो जाएगी। तो ये पंजाबी तड़का इस हिसाब से आया है कि हम ढाबे में संगीत कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे हमने बुक किया था वेन्यू, जाते जाते बारिश हो गई
और वो वेन्यू कैंसिल हो गया और रास्ते में हमें ढाबा नज़र आया। दादी सा नाराज़ भी हुए कि पुदार ख़ानदान का संगीत ढाबे में कैसे हो सकता है। और सब ने फिर दादी सा को मनाया कि क्यों नहीं, समथिंग डिफरेंट। और यहाँ पे फिर आए और ढाबे वाला नहीं मान रहा था, दादी सा ने उसे पंजाबी में बात की, वो मान गया। एंड सडनली और जरा मनीष नानू को देखिए ना, जो इतने नाराज थे दादी सा से, आज वो लगता है इस संगीत के बहाने दादी सा को मनाने की कोशिश कर रही हैं। पंजाबी लुक है जो एकदम यू नो ऑथेंटिक पंजाबी लड़कियां या औरतें कैरी करती है उसी तरह का है, तो काफ़ी सूट हो रहा है। एंड सब ने परांदा और उसी तरह के झुमके, उसी तरह की इयर रिंग्स, दुपट्टा भी उसी तरह से लगाया हुआ है, तो सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब यहाँ पर दादी सा ने कसम खाई है कि वो डांस नहीं करेंगी। अब दादी सा अबीरा के रहते आपको कसम खाना अलाउड ही नहीं है कि, क्योंकि आप कसम खाएंगी और वो आपसे कसम तुड़वा देगी। और याद है ना, अबीरा कहती ही है कि रूल्स सारे ब्रेक करने के लिए ही होते हैं। अब संगीत खत्म होगा और डॉक्टर इतना बड़ा खुलासा कर देगी। अब इसके बाद फैंस के मन में यही सवाल आ रहे होंगे कि क्या अब अरमान अबीरा की शादी होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे किसी का जन्मदिन होना तो आज उनका मुंह मोदक से जरूर मीठा कराइए। और वैसे भी हमारी संस्कृति में ये केक वेक नहीं काटा जाता, जी हाँ, लड्डू से मुंह ही मीठा कराया जाता है। तो हम तो यहाँ पर प्रसाद ही नहीं, ढेर सारी शुभकामनाएं भी अंजुम फकी के लिए भेज रहे हैं। इंडस्ट्री में इतने साल उन्होंने बिताए हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी बर्थडे पार्टी भी ग्रैंड बर्थडे पार्टी थी। और किस तरह श्रद्धा आर्या समेत उनके ढेर सारे फ्रेंड्स पहुंचे उनकी बर्थडे पार्टी पर उनको विशेज देने, आइए दिखाते हैं। शुरू ही हुई है और इस जश्न में खूब मस्ती, प्यार और अपनापन है, क्योंकि ऐसा ही होता है ना जब आप अपने खास दिन पर अपनों से मिलते हैं। बीती रात अंजुम फाकी ने भी अपने बेस्टीज और क्लोज फ्रेंड्स के साथ अपना जन्मदिन मनाया, जिसमें सृष्टि की प्रीता यानी कि श्रद्धा आर्या से लेकर खतरों के खिलाड़ी के उनके बेस्टी अर्जित तनेजा तक शामिल है। अब मौका इतना खास है तो सभी ने अपनी प्यारी अंजुम को ढेर सारी विशेष दी। So it's my dear best friend's birthday, Anjum, and everybody knows we've spent so many years together in the same vanity van. क्योंकि इसने इसको room तो मिला हुआ था shoot से, but कभी use नहीं किया, मेरे room में ही बैठती थी। And we made so many memories, and this relationship is really special. And no matter what I was doing, in what halat I was, I had to come here and be there for her at her party. And it's a wonderful place. It's a great party, and we're really having fun. And happy birthday to her. Best wishes for Anjum always. Anjum, बहुत ही प्यारी लड़की है, बहुत ही बिंदास और
बहुत स्वीट है एंड हमने लास्ट ईयर जब खतरों किया वी बिकेम क्वाइट क्लोज सो विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड लॉट्स ऑफ लव I just have all the good wishes for Anjum and Anjum has been one of my favorites on sets of Kundli Bhagya और अंजुम के साथ बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था बट अनफॉर्चुनेटली अंजुम को मतलब कोई दूसरा प्रोजेक्ट मिल गया तो शी इज़ लेफ्ट द शो बट आई एम स्टिल होपिंग फॉर हर टू कम बैक टू कुंडली भाग्य क्योंकि अभी भी होप है क्योंकि ऐसा दिखाया गया है कि जो अंजुम का कैरेक्टर है जो कि मेरी मासी है वो अभी भी कोमा में है तो वो कभी भी बाहर आ सकती है सो वी आर जस्ट होपिंग फॉर हर टू कम बैक ऑन द सेट्स बट आज उनका बर्थडे सो आई विश हर ऑल द बेस्ट ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड एंड मैं चाहता हूँ वैसे ही उनको अच्छा अच्छा काम मिलता रहे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते रहे जिस तरीके से वो काम कर रही है एंड आई एम श्योर दैट एवरीबडी लव्स हर शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच हैज़ हैपन टू मी इन कुंडली और मुझे लगता है वो रिश्ता जो है वो ज़िंदगी भर चलता रहेगा सो आई विश हर ऑल द बेस्ट भगवान करे उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाए और थीम में उसने रिसोर्ट वेयर लिखा था तो मैंने काफ़ी कुछ मैचअप करने की कोशिश की है आई होप शी इज़ हैप्पी टू सी मी लाइक दिस सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है अंजुम का बर्थडे और सेलिब्रेशन ना ऐसे कैसे पॉसिबल है हैप्पी बर्थडे अंजुम एंड आई थिंक गणपति के टाइम पर उसका बर्थडे आया हुआ है तो इट इज़ डबल सेलिब्रेशन मैं तो उसको यही बोलूँगा कि हैप्पी बर्थडे एंड Like I always, you know, मैं हमेशा यही बोलता आया हूँ कि she's a very self-made person, बहुत मेहनत करके जो उसने अपना नाम बनाया है वो यहाँ तक पहुँची है उसकी खुद मेहनत है एंड आने वाले साल में ये विश करूँगा कि जो जो उसने करना है वो करे और उसको सब कुछ मिले जो उसको चाहिए एंड गॉड ब्लेस अंजुम हम दोनों की बेस्ट फ्रेंड है सो शी विल वॉच दिस नाम बताता हूँ क्या बेस्ट फ्रेंड बोला हमारा उसने नाम दिया था फ्रेंडमी Friend plus enemy is frenemy. Anjum, please watch. Happy birthday. अब इस पार्टी में सृष्टि की प्रीता ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता लीजिए पहुंच गई श्रद्धा आर्य अपने पति राहुल के साथ वहीं उनके साथ उनका ऑन स्क्रीन बेटा राजवीर भी नजर आया हमारी मुलाकात प्रीता यानी की श्रद्धा से काफी दिनों बाद हुई तो हमने भी उनकी खुशखबरी के बारे में जानना चाहा मैं खुद बोलना चाह रही हूँ किसी को दिखाने से पहले मैं खुद बोलना चाह रही हूँ ऑफ कोर्स इट्स अ वंडरफुल न्यूज़ आई वांट टू रिवील इट मायसेल्फ एंड आई विल डू इट सून चलिए कोई बात नहीं श्रद्धा आप अपना पूरा समय लीजिए इस आने वाली खुशखबरी के बारे में हम बर्थडे गर्ल और होने वाली मौसी से ही पूछ लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही खुश है आपको इस फेज में देखकर इट्स रियली ब्यूटीफुल आई नो लाइक दी ज्यादा बाहर जाती नहीं है बट अब देखते हैं श्रद्धा आ जाएगी नहीं आएगी उनसे मिलने उनके घर पे जाना पड़ता है और वो भी बड़ी ब्यूटीफुल मेमोरीज हम क्रिएट करते हैं जब भी हम घर पे रहते हैं साथ में बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड के दी आती है वेल अंजुम ये शाम तो वाकई में काफी शानदार रही हमारी तरफ से भी आपको बर्थडे की ढेर सारी विशेस एबीपी न्यूज रिपोर्ट एबीपी न्यूज आपको रखे आगे देखिए बप्पा तो आ गए हैं अभी थोड़े ही दिन में इनकी मम्मी भी आ जाएंगी और जब देवी माँ आती है ना तो अपने अलग अलग रूप दिखाती है कहीं ममता की तो कभी जब उनको गुस्सा आ जाता है अपना रौद्र रूप तो फिर वो काली का रूप भी लेती है और ये बात हर किसी को याद रखना चाहिए कि महिला अबला नहीं होती क्योंकि जब वो अपने रौद्र रूप में आती है ना अच्छे अक्षों का तबला बजा देती है जैसे कि आज शौर्य की क्लास ले रही है पलकी हे पलकी बड़े प्यार से अपने होने वाले ससुराल की सजावट कर रही है हे घर की चौखट पर वो तोरण लगा रही है इस उम्मीद से कि सब कुछ अच्छा सा दिखे अब उसके दिल में यही आरजू है कि वो राजवीर की पत्नी बनकर जल्द से जल्द इस घर में आ जाए इस घर की चौखट को लांघ कर वो इस परिवार का हिस्सा बन जाए अब पलकी सोच तो कुछ यही रही है फिर सोचते सोचते पैर फिसल गया उसने राजवीर को आवाज दी लेकिन आ गया शौर्य उसे बचाने के लिए राजवीर
पूछिए मैंने इसे कितने बार गिरने से बचाया नहीं है, जस्ट आस्क। जानबूझ के नहीं गिरती हूं, मतलब कोइंसिडेंटली गिर जाती हूं, हो जाता है, और पता नहीं मैं जब भी गिरती हूं ये कहां से आ जाता है। अब शौर्य की हमेशा से नजर पलकी पर ही होती है, पलकी क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, कब उठ रही है, कब बैठ रही है, कब सो रही है, इन सब हरकतों पर नजर रखता है। और आज देखिए ये थोड़ा सा ऑकवर्ड भी हो गया जब उसने कैमरे और परिवार वालों के सामने ये बात कही कि पलकी को हमेशा शौर्य की जरूरत पड़ती है। I think शलकी जो हमारा पैर है, it's supposed to have that angle. शुरुआत से नोक झोंक ही रही है and audience को लवी डवी सिर्फ प्लेन वेनिला I don't think पसंद आएगा उतना, because हम इतने साल से टीवी देख रहे हैं and the whole Indian TV scene 90s के ज़माने से जो चलता आ रहा है वो दौर को अब नए तरीके से देखा जाए तो I think this is what people like, especially the younger crowd, जिसके लिए मतलब जब हम लीप लेके आए हैं the young kids, since the IKM अभी डेढ़ साल होने आ रहा है and I feel like it's just growing. और कहीं ना कहीं इस डेढ़ साल में बीच में आई थिंक 6 महीने तो हमारे सीन्स ही नहीं आए थे, as soon as these scenes start coming, Instagram फिर से फटने लगता है, तो I feel very good. अब यहाँ पर राजबीर भी खड़ा है, जब जब उसे लगता है कि शौर्य को नसीहत की जरूरत है वो देता तो है लेकिन शौर्य कुछ समझता नहीं है, वही पलकी ने करारा जवाब दिया शौर्य को। अब यहाँ पर मौजूद लोगों को ये एक मजाक लग रहा है, अब इन्हें कौन बताए कि ये मजाक नहीं है बल्कि हकीकत है। शौर्य के दिमाग में वो बात चल रही है जो नहीं चलनी चाहिए, वो पलकी से साम दाम दंड भेद ये सभी हथकंडे अपनाकर ब्याह कर लेगा। वो डायलॉग था ना, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये होने नहीं दूंगा, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं नहीं, समथिंग लाइक दैट, व्हाटएवर इट मींस। होगा यही शौर्य, बिकॉज ही इज जस्ट कमिंग टू रियलाइज दैट पलकी और राजवीर की शादी वो होने नहीं देगा, देयर इज नो वे ही कैन लेट दैट हैपन। निधि से बात हो चुकी है एंड यू नो निधि इज द मास्टरमाइंड, सो निधि एंड शौर्य आर प्लानिंग समथिंग जो एंगेजमेंट में शुरू होगा और शादी के दिन तक तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। और देखना कोई कुछ नहीं कर पाएगा, राजवीर के लिए इस सच में बुरा लग रहा है कि उसने इस सोचा क्या था और क्या हो जाएगा। ABP News, आपको रखे आगे।